विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा ने रविवार को शहर में महाजनसंपर्क अभियान आरंभ किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विधायक कृष्णा कुपड़े, विधायक विकास कुमारी सहित भाजपा पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इस अभियान के माध्यम से भाजपा ने चुनाव प्रचार आरम्भ किया। इस दौरान नितिन गडकरी पत्रकारों से संवाद साधते हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदान करने का आह्वान किया है। आज महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो रही है। अभियान आपण सहभागी झाले। उनको जाने दो, उनको जाने दो। एक बार नितिन जी, आज से जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या बताओगे नितिन जी, क्या कहेंगे आप जनसंपर्क अभियान? आज सर्व ठिकाणी अतिशय उत्साह मध्ये महाजनसंपर्क अभियानाची सुरुवात झालेली आहे आणि मी स्वतः आज मध्य नागपूर मधल्या या क्षेत्रामध्ये स्वतः या ठिकाणी पहिला पॉम्पलेट देऊन याची सुरुवात केली आहे। जे काही काम 10 वर्षांमध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने केलं आणि महाराष्ट्रामध्ये पण जे कामं सुरू आहेत त्या सर्वाचा परिणाम जनतेमध्ये दिसून येतो आहे। या जनसंपर्क अभियानाच्या द्वारे लोकांना सगळ्या कामाची माहिती देण्याचा प्रयत्न कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळे मिळून करतो आहे। यातून जनतेचा आशीर्वाद आणि शुभेच्छा आमच्या मागे आहेत आणि नक्कीच येणाऱ्या निवडणुकीत आम्ही विजय होऊ असा मला विश्वास आहे। हम हकीकत में यही बताना चाहते हैं कि माननीय गडकरी साहब के चलते महासंपर्क अभियान चालू हुआ है और इसके चलते ये महासंपर्क अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है और हमें आगे भी ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इधर आएंगी और निश्चित ही रूप में आएंगी। कहो दिल से नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी अभियान के माध्यम से भाजपा नेता, पदाधिकारी, प्रभारी, प्रवासी व स्थानीय कार्यकर्ता 10 वर्ष के केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों की पुस्तिका घर घर तक वितरित की गई। विधानसभा चुनाव में मतदान करने का आह्वान किया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं, अड़चनों की चर्चा की जाएगी। शहर में 2158 मतदान बूथ है, 734 शक्ति केंद्र व प्रमुख नियुक्त है, 5300 पदाधिकारी, सह प्रभारी, शक्ति प्रमुख, विविध आघाड़ी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य मिलाकर 32,000 कार्यकर्ता अभियान में सहभागी होंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी पूर्व व मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर भेंट देंगे। आज जो है बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है और ये जो है पूर्व नागपुर से अभियान की शुरुआत नितिन गडकरी के हाथों हुई है। यहाँ पे हमने देखा कि घर घर जाकर उन्होंने जो है महाजनसंपर्क अभियान के तहत कुछ अपने पॉम्पलेट बांटे हैं जिसमें उन्होंने अपनी जो सरकार की ओर से जो भी योजनाएँ चलाई जा रही है उसकी उसमें जानकारी दी गई है और आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तैयारियाँ जो है इसकी शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार, मौत का कुआं, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो।
रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावने रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।